हाँ भीड़ है। अरे आप सब भी हैं? ओ हाँ जी, वो पीड़ू ने मुझे अर्जेंटली फोन करके बुलाया। मुझे भी? हाँ। इसलिए मैं गैराज के कपड़ों में ही आ गया। तो आप लोगों का भी लंदन से पार्सल आया है? ओ पीड़ू, अब ये लंदन के पार्सल का क्या सियाप्पा है? हाँ। अरे मैं अभी गोडाउन में था ना, तो भीड़ा का मुझे फोन आया कि मेरे लिए किसी ने लंदन से पार्सल भेजा है, और ये पार्सल वाला इतना स्टिक है कि जिसके नाम का पार्सल है उसका ही वो डिलीवरी देगा। तो फिर मुझे सब काम धंधा छोड़ के इधर आना पड़ा। चल कहाँ है पार्सल वाला? चाय नाश्ता करके हाथ पाथ धोने गया क्या अंदर? बुलाओ उसको जल्दी, मुझे जाना है वापस। जेठालाल, ना ही तुम्हारा लंदन से कोई पार्सल आया है, ना ही कोई यहाँ पे पार्सल वाला आया है। क्या? अरे पर तूने तो मेरी बात कराई ना फोन में पार्सल वाले से, तो वो कौन था? तो मिस हो तो मतलब तूने झूठ बोल के मुझे यहाँ बुलाया? हाँ। क्यों? तुम्हारे टपो की वजह से। अरे गजब का जिद्दी हो गया तू भिड़े। मैंने तुझे बोला था ना कि रात को दुकान से आके टपो की जो भी शिकायत होगी मैं सुन लूंगा, फिर भी तूने मुझे झूठ बोल के यहाँ बुलाया। जेठा भाई, अब आ ही गए तो भिड़े मास्टर की बात सुन लो ना, भिड़े मास्टर का भी मन हल्का हो जाएगा। भिड़े मास्टर बोलो। चल बोल भाई बोल, क्या शरारत की टप्पू ने? बोल। नहीं टप्पू ने इस बार शरारत नहीं की है। अरे तो क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि टप्पू भी बड़ा हो गया ना, तो उसने शरारत नहीं की है, उसने कांड किया है कांड। वो एक मिनट पीड़ू, अगर तुझे टप्पू की शिकायत जेठापुरा से करनी थी तो मुझे और हाथीपुरा को क्यों बुलाया? अष्टवरी, क्योंकि टप्पू की इस कांड में पूरी टप्पू सेना भी शामिल है। क्या? What? हाँ। क्या कांड किया टप्पू सेना ने? हाँ, क्या कांड किया? मेरा 35,000 का बैरर चेक टप्पू सेना ने घुमा दिया। What? मतलब कि तेरे खाते में से किसी ने 35,000 निकाल लिए? तो भिड़ू हम तीनों 12,000 रुपए दे देंगे। हाँ सही बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, मुझे मेरा चेक वापस मिल गया। अरे तो फिर कांड क्या हुआ है? माधवी भाभी पूरी बात बताइए ना, क्या हुआ है? काजल, हमारे रमाकांत काका है ना, उनको अर्जेंट में 35,000 रुपए चाहिए थे, और निम्के आज हम लोग दोनों ही बिजी थे, मतलब मेरा अचार पापड़ का ऑर्डर था और इनका ऑनलाइन क्लास, तो हम लोगों ने सोनू को बोला कि बड़ा सा बैंक में जाके चेक लेके जा और पैसे निकाल के ला, तो उसके साथ टप्पू सेना भी गई। तो बैंक जाने से पहले टप्पू सेना से चेक खाऊ गली के कहीं एरिया में गिर गया। गिर गया? हाँ। मतलब बच्चों ने चेक घुमा दिया? नहीं, चेक मिला है, क्या है जीएमसी ऑफिसर चंद्रकांत जी है, तो उनको रास्ते में चेक मिला, तो उन्होंने इनको फोन करके बोला कि मेरे पास चेक है, तो इन्होंने अब्दुल भाई को भेजा चेक कलेक्ट करने के लिए, और अब्दुल भाई को बोला कि ये बैंक में जाके पैसे निकल के लाए। पीड़ू हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व, तो इसमें तू अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? और कांड क्या किया टप्पू सेना ने इसमें? बताता हूँ सुनो, जीएमसी ऑफिसर चंद्रकांत जी का फोन आने के बाद मैंने सोनू को फोन लगाया, तो टप्पू सेना फोन पर आई और मुझे बोला कि वो लोग बैंक में ही है, पैसे निकाल रहे, ऐसा झूठ बोला टप्पू सेना ने। ये कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद बच्चे घर पे आए ना, तो भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं थे, पैसे के बारे में इतना झूठ बोल रहे थे, हमें बोला कि बैंक से जो पैसे मिले हैं ना वो सब नोट फटे हुए हैं, तो हम लोगों ने गोली और पिंकू को बैंक में भेजा है पैसे चेंज करने के लिए, जबकि वो दोनों सोसाइटी में ही थे। इसीलिए गोगी ने मुझे फोन किया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि 27,000 रुपए दो और इलाज करवा दो। हाँ
गोली का भी मुझे फोन आया था। मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है। टप्पू ने भी मुझे पैसों के लिए फोन किया था। पापा अब 27,000 मतलब रुपए ही हो ना। मैंने बोला था ना माधवी, बच्चे भी पैसों का जुगाड़ कर रहे होंगे, उसी के लिए पेरेंट्स को फोन किया उन्होंने। लेकिन बच्चे जानते नहीं कि सच में जान चुका हूँ और अभी आप लोग भी जान चुके हैं। ओए पिडू, जब तेनु सच पता सी तो तूने बच्चों को रोका क्यों नहीं? सोड़ी, मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे किस हद तक जाते अपने झूठ को निभाने के लिए। अरे तेरे हद जानने के चक्कर में उनसे कोई गलत काम हो गया तो बराबर। हाँ सही बात है। क्या कर रहा है भिड़े तू, उनको रोकना चाहिए था। बराबर है, मुझे रोकना चाहिए था। मुझे सोनू को बचपन में ही टप्पू से दोस्ती करने से रोकना चाहिए था। कम से कम आज दिन तो देखना पड़ता। ये भाई क्या बोल रहा है तू, क्या मतलब क्या तेरा? मतलब ये है कि टप्पू भी अपने जैसे मेरी सोनू को बनाना चाहता है। अरे सोनू को क्या, सभी बच्चों को बनाना चाहता है। एक नंबर का झूठा है वो, सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है वो। अरे बेवकूफ, तू क्या बोल रहा है? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी गलती की वजह से तेरा चेक गुम हो गया और चेक गुम हो जाने की वजह से तेरा नुकसान हो गया, तो कैसे भी करके हम लोग पैसे जमा करें और वो पैसे तुझे दे। लेकिन नहीं, तू तो बैठा इधर देखते हैं कितनी हद तक जाते हैं। अरे क्या भेड़ा भेड़ा साले इसके तू। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।